भारत माता की तो वर्षाटा तो अधिक शुणा जा भारत माता की देखो नाडा जी ओडिशा आसछन्दि विगत दुई मास हेला जेबेठु देशर गृहमंत्री अमित शाह महाशय ओडिशा आसछन्दि सेबेठु आज पर्यंत चर्चा आलोचना होउछ नाडा जी को मन भितरे ये वर्षा माने ये वर्षा को शुभ लक्षण भावे नहीं थांती आम ए प्रकार वर्षा माहौल रे भी कार्यकर्ता माने आमे ए प्रकार उत्साह देखो पूरा ओडिशा आम को अपेक्षा करछि नाडाजी को बयान को अपेक्षा करछि तेणु ए प्रकार आम आज ये परीक्षा दबा उत्तर 24 रे बाहर भारत माता की बंदे मु सर्वप्रथमे ओडिशा तरफ भारतीय जनता पार्टी यशस्वी राष्ट्रीय सभापति माननीय जगत प्रकाश नड्डा को ये जगन्नाथ भूमि रे सांस्कृतिक भूमि रे कलार भूमि रे उत्साहर भूमि रे स्वागत करूची तांको विनम्र प्रणाम जनाऊची महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद तांको उपरे सदा सर्वदा थाउ मु मंच रे बसीथिबा आम बांगरे अतिथि भावे थिबा पार्टी राष्ट्रीय साधारण संपादिका पुरेन्द्रेश्वरी जी नवनिजुक्त राष्ट्रीय साधारण संपादक सुनील बंचल महाशय पार्टी संगठन ओडिशार सहप्रभारी राज्यसभा सदस्य आदरणीय विजयपाल सिंह तोमर महाशय आम समस्त प्रिय नेता दलर देशर वर्षियान आदिवासी नेता आदरणीय जुएल ओराम महाशय तथा मंच बसी दलर राष्ट्रीय राज्य राज्य सभापति समीर भाई तमाम नेतृत्व वृंद लोकसभा राज्यसभा सदस्य बंधु माने विधानसभा सदस्य भाई भौणी माने पदाधिकारी बंधुगण ओडिशार 8000 शक्ति केन्द्र यानि पंचायत म्युनिसिपालिटी वार्ड गुड़िकरु आसीथिबा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवर प्रतिनिधित्व करथुबा कार्यकर्ता भाई भौणी माने सांबादिक बंधुगण मु आपन समस्तंकु ये सम्मेलन रे स्वागत करूछि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल ये मंच रे 26000 चौकी पड़ी ये जनसभा नुहे ये जनसंवाद अवसर नुहे आज मीडिया रे बंधु माने एठी अछंती जो माने दिन रे सोइछंती तांकु आज चेईमार ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानकर सम्मेलन होउचे ओडिया लोकंकर स्वार्थ पै सम्मेलन होउचे नरेंद्र मोदी को वार्ता को भारतीय जनता पार्टी रा संगठन को दृढ़ करके पहुंचेबा पै सम्मेलन होउचे हजार हजार वर्ष पूर्व ये सभ्यता 2500 वर्ष पूर्वे महाप्रतापी सम्राट अशोक मगधरु आसीथिले ओडिशा को पराधीन करिबा पाई आक्रमण करिबा पाई विफल हेथिले एठी सम्राट खारवेलंकर अभ्युदय हेथिला ओडिया जाति ओडिया स्वाभिमान ओडिया भाषा उत्कलीय परंपरा मठ मंदिर बड़ देउल बड़ ठाकुर बड़ चिंतार ये प्रदेश ओडिशा आज एकविंश शताब्दी रे याकू एक नुआ उत्सार सह पृथ्वी बक्षरे स्थापित करिवार अवसर आसी अवसर को
ये संभावना को किए वास्तवतार पूर्ण करी पारिबो। आज देशरे एक कल्याणकारी व्यवस्था नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में चली। पूर्वोदय कल्पना यही राज्य नरेंद्र मोदी किसी वर्ष पूर्व देश आगे रखिंट गरीब कल्याण कार्यक्रम प्रयोगशाला आम राज्य ओडिशा है। अनेक सुधार करने कारण आज ओडिशा भलिया राज्य आग ओडिशार खनि खदान कोयला हो लुहा हो क्रोमाइट हो मैंगानीज हो बक्साइट हो पूंजीपति मानकर जागीर भावे व्यवहार होता। ओडिशार संपत्ति गरीबार संपत्ति आदिवासी संपत्ति अनेक प्रधानमंत्री दिल्ली में बसिथिले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेले जदि आम गांव बाली घाट नीलाम होकी राजस्व आदाय हुए नरेंद्र मोदी प्रश्न उठेले ये स्वर्ण गर्भा ओडिशार संपत्ति कहीं बिना मूल्य पूंजीपति को दिजिव। आज मोदी नीति संस्कार कारण ओडिशा भलिया राज्य नीलाम करकी टंका आज दिल्ली जाऊनी भुवनेश्वर रहुची ओडियांक पाई रहुची गरीबांक पाई रहुची आदिवासी पाई रहुची युवक महिलार कल्याण पाई रहुची। हजार हजार कोटी टंका नीति संस्कार कारण आज ओडिशार लाभ है। महाप्रभुंकर सेवा हो ओडिया लोकंकु घर जोगेबा कथा हो उज्ज्वला गैस जोगेबा कथा हो बैंक खाता खोलेबा कथा हो किंबा कोरोना समय रे मागना चाउल दबा कथा हो मां मानक बैंक खाता रे पैसा पहुंचेबा कथा हो किंबा नल जोगे पीबा पानी पहुंचेबा कथा हो अथवा ओडिया स्वाभिमान को ओडिया अस्मिता को स्वीकृति देवा पई 75 वर्ष स्वतंत्रता परे ओडिया घर आदिवासी झील को द्रौपदी मुर्मू को भारत राष्ट्रपति बनेमा हो यह नरेंद्र मोदी सरकार ओडिशा प्रति दायित्व। बंधुगण ओडिशा र दायित्व आज दिल्ली रे आम अनेक सरकार देखी थिले। अटल जी दायित्व नहीं थिले महाबात्या उपरांत अटल बिहारी वाजपेयी कही थिले जे ओडिशा र विकास पई अर्थर अभाव रहिबो नहीं। तांकर अनुजाई भारतीय जनता पार्टी रा नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हवा परे ओडिशा को सबु प्रकार सुजोग किंतु विपरीत रे आज ओडिशा रे कौन है ओडिशा रे दायित्व रे जो माने अछंती भात हांडीरु गोटिए भात चिपुड़िले भात रा प्रस्तुति संपर्क रे जणा पड़े। मु 4-5 आज प्रश्न कार्यकर्ता मानक आगे उठेबा पई चाहू 2016 परे बंधुगण माने रखंतु तिथि को ए कथा को घरे घरे पहुंचेबा पई पड़िबो। 2016 परे प्रधानमंत्री आवास योजना नुआ की तैयारी हैला 50-75 हजार टंका अनुदान 1.5 लाख टंका पर्यंत गला। भारत वर्ष रे 2 कोटी घर तैयारी हबार योजना हला ओडिशा को 28 लाख घर मिलिवार संभावना तैयारी हला। ता भितरु 17 लाख घर आसिला किंतु गरीब ओडिशा पाखरे घर नहीं घर दलियों लोक मानक पाखरे चली गला। दल घर दुर्नीतिर शिकार हला घर थिला बालंक पाख को पळैला। से राज्य आपण भलिया शक्ति केन्द्र स्तर कार्यकर्ता कूलमणि बराल को बलिदान देवाई पर्यंत कथा बढ़ला ये ओडिशार प्रधानमंत्री आवास योजनार स्पष्ट नग्न उदाहरण दुर्नीतिर। बंधुगण कोरोना समय समस्त स्वास्थ्य आवश्यकता पड़ा एठी स्थानीय सरकार डिंडीम पिटुचंती आम अमक स्वास्थ्य सेवा योजना चलाउछ हमर आपत्ति नहीं। मोदी का पैसा रे जदि आपण निज ना रे स्वास्थ्य सेवा चलाउछंती हमर आपत्ति नहीं। हमर आपत्ति अछि आयुष्मान भारत को काहे के लगेबे नहीं। पड़ीसा तेलंगाना रे
सेठिकार सरकार सेठिकार राज्य स्कीम चलाउछ ता उपरे भी आयुष्मान भारत लगाउछ आपण को कौन असुविधा अछि आपण असहिष्णु आपण एक चाटिया मनोभाव रे शिकार आपण एक छत्रवादी मनोवृत्तिर प्रतीक आपणक ना हबो गरीब ओडिया दावन खटु रोजगार पई बार द्वार सुंढी पिंडा हो दादन खटिबा पई अन्य राज्य को जाऊ किंतु चिकित्सार सुजोग न पाऊ ए छे मरु किंतु मु नदी चलैथिबा आयुष्मान भारत को लागू करे देबिनि एनआरजीएस रे अनेक टंका आसुचि ओडिसा रे दुर्नीति होउछ को पंचायत नहीं एनआरजीएस टंकार दुर्नीति होउने 14 फाइनेंस कमिशन पैसा हो 15 फाइनेंस कमिशन पैसा हो शासक दल वाला तांको निज दल सरपंच समिति ब्लॉक चेयरमैन जिला परिषद अधिकार को छड़े कि एक चाटिया मनोवृत्ति चलाउछन बंधुगण आज महिला मानकर अवस्था कौन काली महिला मोर्चार कर्मकर्ता मानकर एकत्रीकरण हबो राष्ट्रीय सभापति तांको उद्बोधन देबे मुंगन गोटिया उदाहरण दउछ एबे एबे जो हेल्थ सर्वेर रिपोर्ट आसीछ हजारे पुरुष रे केते महिला अछंती महिला प्रगति रे डिंडिम पिटुथवा स्थानीय सरकार हिसाब दउ ओडिसा रे विगत दुई वर्ष भितरे दुई वर्ष मु बहुत पुरणा कथा उल्लेख करबा पई चाहुनी विगत दुई वर्ष भितरे महिला मानकर संख्या पुरुष मानक तुलना रे अन्य राज्य रे बढ़िला बेले ओडिसा रे काहे कि कमुछ एटा कण आपणकर पारिबा पणिया एटा कण आपणकर महिला सशक्तिकरण रे नमूना आपण गोटिए बहापिया शासन व्यवस्था चलैछंती राज्य रे रोजगार रे अवस्था कण राज्य रे आजि पाखापाखि एक कोटि लोक दादन खटिबा पई बाहर राज्य को जाउछंती एठिकार सरकार केवल निज पई भावुथवा सरकार निज ना निज प्रसिद्धि निज परिवार लोक मानकठु दिल्ली रे डकै कि पुरस्कार नै कि प्रायोजित उत्सव करैबार निज स्वार्थ रे ये सरकार ये ओडिया लोकंकर सरकार नुहे ये ओडियांकर सरकार नुहे ओडिसा रे मुंड पिछा आय लक्षाधिक टंका किंतु ओडिया लोक आज सम्मान और जीवन बीतवाप समस्या अच्छे खजूरी गछर किगुणा गायबी मूलरू पहाच पहाच या को अनेक कथा कहा जाय पारे बंधुगण यह सरकार आखिरे अंध पोटली बांधिछ यह सरकार धृतराष्ट्र दोषरे ग्रसित यह सरकार आत्मप्रचार रे ग्रसित ये सरकार दुर्योधन मानसिकता रे ग्रसित भलो ठीक जानिमा परे भी निज स्वार्थ पाई ये सरकार लोक कल्याण को भूलिबा पाई पछौ नहंती बंधुगण पृथ्वीर अनेक अंचल को जदि ओडिसा संगे तुलना करा जाए आम राज्य रे भारत वर्षर लोहा पथर कोइला भारत वर्ष रे जेती की कोइला अछि ओडिसा रे केवल 25 भाग कोइला अछि ओडिसा रे कोइला रे दिल्ली रे बिजुली बत्ती जळे पंजाब रे बिजुली बत्ती जळे तमिलनाडु रे बिजुली बत्ती जळे किंतु ओडिसा रे बिजुली अन्यतम महंगा प्रदेश एते खनिज संपद थिबा परे भी ओडिसा रे दरिद्र काहे कि एबे एबे हिंदू खबर कागज रे केउझर जिल्लार छोट छोट पिला मानकर जो केउझर जिला को नरेंद्र मोदी डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड रे वर्ष को पाखापाखि हजार कोटी टंका केवल केउझर जिला पाई दउचंते से जिल्ला रे आज शिशु अपपुष्टि रो शिकार काहे कि गर्भवती मां काहे कि कष्ट रे अछि ये कथा को आज समीक्षा करिबा पई आसि पड़िबो ये धृतराष्ट्र दोषरे पीड़ित सरकार को जगेबा पई पड़िबो ये कुंभकर्ण को निंदरु भगेबा पई पड़िबो बंधुगण प्रजातंत्र रे
ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାମ କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପାଖରେ ବିତର୍କ କରାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କଥାକୁ ବୁଝାଇବା। ବନ୍ଧୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଜନବଳ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବଳ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 1936 ମସିହାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଓଡ଼ିଶା 2036ରେ ଠିକ୍ ଆଜିଠୁ 14 ବର୍ଷ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପାଳୁଥିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଅମୃତ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 2047ରେ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବ, ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଡେଭଲପ୍ଡ ଇକୋନୋମି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ ଭାରତ ବି ଗଣା ହେଲାଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପ୍ଡ ହୋଇପାରିବନି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରୋଜଗାର, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଚରମକୁ ନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ତେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେବେ 36,000 ବୁଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଜବୁତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଥରେ ମଜବୁତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମଜବୁତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ମଜବୁତ ହେଲେ ଆମ ଦେଶ ମଜବୁତ ହେବ, ଆମ ଦେଶ ମଜବୁତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରାଇବାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ, ଉତ୍କଳର ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଦାନ ବିନା ଭାରତ କେବେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିନି। ଆଜି ବି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ମୋ ବୁଥ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ, ଇଏ ସଂକଳ୍ପନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ଫେରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।